you home there. Wait. Bye. No money. What can I say? No money. Finish. No money. Bye. Pork. Pork ka mundi. Abhi bilkul waisa hi hai. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। तो मेरा नाम भाई गरिमा है और मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अभी यार मेरी साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप चल रही है एंड मैं फाइनली हूँ वियतनाम में। तो राइट नाउ गाइस यू कैन सी आई एम इन द माउंटेन रीजन ऑफ वियतनाम एंड वी हैव केम हेयर टू ईट सम फूड एंड स्टार्ट द ट्रिप। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस प्लेस बिकॉज इट कैन बी लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बट इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। सो यार मैं हाजियांग लूप वाले एरिया में हूँ। तो ये एक ना राउंड करके, मतलब एज अ मैप में देखोगे एक लूप है, माउंटेन रोड्स जाती हैं जो कि मोस्टली टूरिस्ट बाइक पर ट्रैवल करते हैं या ग्रुप टूर कार में बुक करते हैं, ठीक है। बट मैं ये टूर कर रही हूँ बाय बस। सो वेलकम टू द हाजियांग लूप टूर। एंड ये लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, टूरिस्ट कैन, ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से ये लोग एग्जिट करके वापस हाजियांग जाते हैं। बट आई केम फ्रॉम काओबांग सो इट्स लाइक माई एंट्री पॉइंट नॉट द एग्जिट पॉइंट। सो वेलकम टू डोनवांग गाइस, दिस टाउन नेम इज़ डोनवांग। एंड मैं यहाँ पर बस से आई थी लेकिन फिर मैंने ये बाइक रेंट करी है एंड इन बगान टू रेंट अ ई बाइक वॉज सो चीप गाइज, आई एम मिस म्यांमार एंड हेयर इट्स एक्सपेंसिव। एक्चुअली आई एम पेइंग वियतनामीज 200,000, सो इन डॉलर आई डोंट नो बट इट्स मोर देन $6 आई थिंक। एंड ये रहा भाई अपना खाना, तो ये वर्सी मिली नूडल सूप है वेजिटेरियन एंड बढ़िया। तो यार ये वीडियो शुरू करते हैं और ये वियतनामीज मेम साहब हैं जो ये वेजिटेरियन है। मामा यू वीगन? या ओके नाइस, वाओ, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड समवन वेजिटेरियन और वीगन इन वियतनाम बट शी इज। दादा कौन कौन आया हूँ कोचो सी ओके आई वीगन 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 ओ You also, kid is also vegan. Vegan. Yeah, two vegan. Hey, good. Nice. Thank you. How good I? Sahi bhai. Chhota sa bachcha bhi yaar Vietnam mein ye vegan hai bhai, gajab. So it's a rare sight to see in Vietnam or in these Asian countries actually. But भाई मैं बहुत रिस्की काम कर रही हूँ, मैं पहाड़ की रोड पे वीडियो बना रही हूँ जनाब, बाप रे। और बहुत सालों बाद यार एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही हूँ। नज़ारे देखिए यार कितने खूबसूरत है, गजब। और मेरे को पूरी यार जावा इंडोनेशिया की वाइब आ रही है, जो उनसे मैं गांव में गई थी। बिल्कुल, आपको थोड़ी देर में यहाँ पे माउंटेन फार्मिंग भी दिखाऊंगी मैं, खेती कर रखी है यार लोगों ने। तो जनाब यार एक्टिवा हमने यहाँ पे पार्क करी है एंड इधर से एक व्यू दिख रहा है टाउन का, तो मैंने सोचा रुक जाती हूँ। तो यार जो ये डोनवांग टाउन है ये लास्ट रहता है टाउन, जैसा मैंने आपको बताया, टूरिस्ट लोगों के लिए। एंड इधर पता क्या होता है, शाम तक ये लोग ना राइड करके पहुँचते हैं, बाइक वगैरह राइड करके एंड सुबह निकल जाते हैं। तो इस टाइम अभी टूरिस्ट लोगों का रश बहुत कम है लेकिन शाम को 5-6 बजे आना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स लाइक 1 डे स्टॉप या मैक्सिमम 2 डेज़, तो या दैट्स इट। बट ये देखिए जनाब, ये नीचे ये वाला टाउन है जहाँ पे हम रुके हैं, वो उस तरफ है, अगला टाउन है। तो ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ माउंटेन एंड इवन दो हाई इन टूरिज्म बट अच्छी वाइब्स हैं, यू कैन डू सम बाइक राइड फॉर 1 डे और 2 डेज, नाइस। और यार जैसे मैं चलाते हुए बाइक को बोल रही थी कि मेरे को बिल्कुल इंडोनेशिया की वाइब आ रही है, तो इंडोनेशिया में जकार्ता, जावा आइलैंड में, जकार्ता से मैं थोड़ा दूर गई थी एक गांव में, वहाँ पे इसी टाइप की वाइब थी। तो सही यार, आज हमने यार फिर बाइक रेंट पे ले ली।
और यार ये इन कंट्रीज में ना तभी ग्रुप ट्रिप या कपल ट्रिप अच्छा रहता है, क्योंकि अगर दो बंदे होते हैं ना तो प्राइस शेयर हो जाता है एंड फिर बहुत सस्ता पड़ता है यहाँ पे ट्रैवल करना। अगर मैं एक ही हूँ यार फिर तो आई एम जस्ट पेइंग लाइक फॉर टू पीपल एंड लाइक सो मच मनी। अगर दो लोग होंगे तो 400-400 रुपये डिवाइड हो जाएगा प्राइस, बट अगर एक है तो $10 डायरेक्टली मुझे अकेले को पे करना पड़ेगा। तो बट एनी वेज सोलो इज़ योलो, जो मर्जी हो जाए अकेले घूमने का एक मज़ा ही बहुत अलग है। तो या एंड आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग दिस वीडियो। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस व्लॉग एक्चुअली लॉन्ग, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड, इट मीन्स अ लॉट। एंड लेट्स गो टू द व्यू पॉइंट। तो 5 किलोमीटर के आसपास दूर है। अरे यार बच्चा बाटी कैसे भाग गई मेरे को देख के, बाप रे इतनी स्पीड में भाग गए। अरे यार तीनों के तीनों, अरे अरे अरे। तो मैं क्या कह रही थी, आई थिंक हम 5 किलोमीटर दूर है यार व्यू पॉइंट से एंड बट रास्ते में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है हमें, वो है यहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल विलेज एंड दूर से इनका रहन सहन। तो क्योंकि मैं गांव के अंदर नहीं जा रही, आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तो आप लोग ये देखें जनाब व्यू कितना खूबसूरत है, और ये घर चलो थोड़ा मॉडर्न है बट उस तरफ देखिए वो ट्रेडिशनल घर हैं कुछ यहाँ पे। माउंटेन लाइफस्टाइल ऑफ वियतनाम एंड इट्स रियली क्वाइट अमेजिंग। एंड ये वाले जो इस टाइप के पहाड़ हैं ये एक्चुअली मेरे को तिमोर लेस्ते और अंगोला की याद दिला रहे हैं, वहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप का व्यूज़ देखे थे। और इधर देखिए आप वो खेती बाड़ी कर रखे हैं इन्होंने तो माउंटेन पे, एंड इस तरफ भी करी हुई है तो नाइस फार्मिंग भी करते हैं ये लोग एंड ट्रेडिशनली अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ये नज़ारा तो आप लोगों को दिखाना बनता है, तो मैं एक मिनट के लिए रुक गई बीच रास्ते में। तो या ये हम एक और व्यू पॉइंट एरिया पे रुके हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टैचू बना हुआ है एंड ये देखिए। तो डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा हुआ ये लोग कौन है बट स्टोरी ये है यहाँ पे वो बना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ एक मिनट स्टोरी। तो ये देखिए ये फ़ोटो लगा रखी है पहले इन्होंने, ये यहाँ के ट्रेडिशनल लोग हैं, इनके कॉस्ट्यूम्स कुछ ऐसे आप लोग देख सकते हैं एंड टे पीपल इनका नाम ये है। और इसमें जनाब ये लिखा है कि यहाँ पे जब ये रोड बन रही थी हाजियांग का, जो ये लूप है जिस रोड पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें कितने लोग ने काम किया एंड कितने लोग सेक्रीफाइस हुए, ऑलमोस्ट 14 यूथ वॉलंटियर सेक्रीफाइस्ड। तो आई डोंट नो व्हाई दे वर सेक्रीफाइस्ड एक्चुअली, बट ये नहीं लिखा है कि ये किस ऑफिसर ने काम करवाया या किसने क्या हुआ, ये सब नहीं लिखा है। बस ये लिखा है कि लोगों ने यहाँ पे काम करा, यहाँ के ट्राइबल लोगों ने, एंड 14 लोग सेक्रीफाइस हुए। तो इससे ज़्यादा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई उसमें। तो नाइस सिर्फ इस चीज़ को एक व्यू पॉइंट सा बना दिया यहाँ पे। तो मैं एक मिनट के लिए रुकी एंड ये कैफ़े है इधर तो नाइस। तो भाई यार हम व्यू पॉइंट की तरफ पहुँचे थे फाइनली एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत। एंड इस नदी में ना आगे उस तरफ इन्होंने डैम सा बना रखा है, और कल एक्चुअली मैं इसी रोड के थ्रू आई थी, ये पूरा रास्ता हम कवर करते हुए आए थे, आपको लूप भी दिख रहा होगा रोड। एंड ये रही भाई नदी, और ये देखिए सामने पहाड़ पे एक विलेज बना हुआ है और दूसरा गांव यार आपको साइड से दिख रहेगा वहाँ नीचे की तरफ बना है। बाकी मैं नीचे चल के एक बार आपको नज़ारा दिखा देती हूँ एंड सब बढ़िया। तो यार एक तरह से पता है कैसी फीलिंग आ रही है, मैं भी ना कि अंग्रेज़ों की तरह टूरिस्ट एक्टिविटी स्टिक कर रही हूँ। ये लोग मोस्टली जो मुजुंगू होते हैं वो लोगों का ट्रैवलिंग स्टाइल कैसे होता है, एवरी डे दे गेट अप एंड वो लोग मैप देखते हैं और उसमें इस जगह पे ये 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 ऐसे टिक 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 टिक। एंड नॉट जस्ट मुजुंगू, मॉडर्न इंडियंस हु ट्रैवल ऑल्सो इन दिस वे।
बट जो इंडिया में पुराने ज़माने की ट्रैवलिंग होती थी मोर ऑफ अ लोकल लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस की, जो गुरु नानक देव जी ने की एंड बहुत सारे बहुत महान महान लोग जिन्होंने ट्रैवल किया है वो लोग पैदल चल के मंजिल का मज़ा लेते थे। बट ये जो मॉडर्न टूरिज्म है ना भाई, मुझे लग रहा है आज मैं वो कर रही हूँ, व्यू पॉइंट टिक, दिस टिक, विलेज लाइफ टिक, तो ऐसी फील आ रही है, बट नाइस। और आप लोग अगर हाजियांग का गूगल पर डालोगे तो इस एरिया की बहुत सारी फ़ोटोज़ भी दिखेंगे आपको, एंड ये वही शायद वही फेमस एरिया है, तो सब बढ़िया। नाइस व्यूज़ यार पीछे देखिए आप लोग, तो अगर वेदना मार रहे हो यार आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एक बाइक टूर कर लो यहाँ पे हाजियांग की तरफ, हनोई से बहुत पास है ये लोकेशन एंड प्रीटी नाइस। आपके दो तीन दिन थोड़े एडवेंचर भरे, थोड़े टूरिस्ट टाइप के ऐसे जाएंगे और गजब जनाब। एंड आई थिंक अगर फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो कर सकते हो थोड़ा बहुत एडवेंचर, बिकॉज फैमिली में डैड नोज हाउ टू ड्राइव एंड ब्रदर्स ऑल्सो नो, सो आई थिंक इट्स इवन गुड फॉर फैमिली। एंड मैं जो सबसे फेमस जगह है हा लोंग बे हनोई के पास, वो स्किप करने वाली हूँ, तो शायद मैं वहाँ नहीं जा रही। वैसे सेम लोकेशन आपको न्यूजीलैंड में या पपुआ न्यू जीनी में भी मिल सकती है, तो आई थिंक आई विल फिनिश दैट काइंड ऑफ प्लेस इन पपुआ न्यू जीनी वन डे, बट नॉट इन वियतनाम। अगर बाई चांस कभी अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ आऊँगी तो चले जाऊँगी, बट अभी अकेले मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो नाइस बहुत बढ़िया यार। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना एंड कमेंट भी कर देना। और बाइक रेंट आपको कुछ मुश्किल नहीं है, हर टाउन में अवेलेबल है, पर डे का प्राइस ऑलमोस्ट वियतनाम के 200K, 2 लाख रुपए का है वियतनाम के। और इस तरफ वही गांव की लाइफस्टाइल, फार्मिंग ये सब। और अब हम यार स्कूटी लेके चलते हैं एक कल्चरल विलेज की तरफ, एंड जिस तरह से मैप में वो लोकेशन दिख रही है आई थिंक इट्स अगेन फॉर टूरिस्ट, तो चल के देखते हैं, पास में है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई मैं बहुत दिनों से ना वियतनाम में ये एक चीज़ देख रही थी बैम्बू की, मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ का शायद हुक्का है ट्रेडिशनल, ये लोग इससे स्मोक करते हैं भाई वियतनाम। बैम्बू ओ नेम नेम ओके, ये चीज़ देखिए, मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, नाइस। एंड चाय पीते हैं और साथ में स्मोक, सही है भाई का जब। ओके भाई, वियतनामीज हुक्का है ये तो, बढ़िया, थैंक यू। यहाँ से जस्ट पहाड़ी रास्ता है और मेरे पास घूमने के लिए अभी 3 घंटे और बड़े हैं, एंड रास्ते में हमें एक मीट शॉप दिखा है और वियतनाम की यार ये देखे ट्रेडिशनल सुअर का सर बिक रहा है भाई यहाँ पे, तो बाप रे, यू कैन सी गाइस, एंड ये अंकल की दुकान है यहाँ पे, तो पोर्क का मुंडी यहाँ पे बिल्कुल बिक रहा है, सही है, नाइस। और उसके पैर भी हैं, गजब यार, गांव की बड़ी सही चीज मिली यहाँ पे। और वैसे शहर में भी दिखता है बट मैंने सोचा लेट मी फिल्म इट, सो गजब यार, बहुत सुंदर नजारे एक्चुअली, वेरी नाइस। भाई साहब सच में अच्छा है
तो मां प्रसाद थैंक यू या नेम 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 हैं ये लोग यार बेर बेरी तोड़ के लाए हैं यहां की लोकल खट्टा यार बाय 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 बाय। नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पहुंचे हैं कल्चरल विलेज। तो मेरे को एक लॉजिक ये नहीं समझ आ रहा कि हर जगह गांव है ठीक है एंड हर जगह कल्चरल गांव है, जैसा कि मैं देख रही हूँ हर जगह लोगों ने अपना कल्चरल अभी तक फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये एक स्पेशल जगह इन्होंने अरेंज करी है एंड इस जगह का नाम है कल्चरल विलेज। और जाते टाइम मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगी इस तरफ, कुछ यहाँ के ट्रेडिशनल स्पाइसेस इनकी मार्केट भी है। और वाओ मतलब चल के देखते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस है, पीछे स्पाइसेस थे, यहाँ पे मेरे को कपड़े दिख रहे हैं। तो कुछ यार इस टाइप की जगह। एंड हाँ एक डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम जितने भी मैंने घर देखे ना वो चाहे ट्रेडिशनल दिख रहे हैं लेकिन वो पक्के घर हैं। तो इधर इन्होंने थोड़ा पुराने ज़माने के टाइप के घर बना के दिखा रखे हैं। तो बट भाई सही है। तो यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं। अरे वाह बादाम भी होते हैं यार यहाँ पे गांव में, इंटरेस्टिंग। हल्दी यार वियतनाम के लोग भी बहुत ज़्यादा हल्दी यूज़ करते हैं। ये क्या है यार, इट लुक्स इंटरेस्टिंग बट पता नहीं। एंड ये भी एक बड़ी अनोखी चीज़, ये मेरे को ये भी देखी मैंने। अभी लोग यार इंग्लिश नहीं बोलते, मैं इनसे पूछूं कैसे कि ये क्या है, बट भाई बहुत गजब के सीन हो रहे हैं यार यहाँ पे। ये देखिए बाहर बाजार लगा हुआ है ठीक है, एंड इधर यार लोग लिटरली रह रहे हैं, मतलब असली में घर बने हुए हैं और बिल्कुल घर वाली वाइब है, मतलब फैमिली रह रही है पूरी। बाप रे लाइक लोग लिटरली रह रहे हैं यार और बाहर बाजार है। एंड पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी तो मैं बाहर आ गई। देखे यार यहाँ से बाहर आ गया है एंड यहाँ पे इन्होंने ड्राई फ्रूट्स नट्स इन लोगों की दुकानें हैं इन चीज़ों की, एंड ये सब कुछ इधर का ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो पहाड़ों पे उगती होंगी एंड सब बढ़िया। और यार ये लोग यहाँ पे ना फ्रॉक सूट टाइप के ड्रेस पहनते हैं, आप लोग देख सकते हैं आंटी ने फ्रॉक सूट पहना हुआ है। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि भाई यहाँ के लोग बहुत लोकी हैं, मतलब इन लोगों को किसी से बात करने की कोई परवाह नहीं, अपने में ही मस्त हैं एंड बहुत लोकी टाइप की वाइब है, बट जो भी है बढ़िया। तो इधर भी सबने ऑलमोस्ट यार सेम तरह की चीज़ें रखी हुई हैं एंड कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये रही अपनी गाड़ी और अब चलते हैं हम यार पीछे। आंटी यार यहीं पर ही देखे काट रही हैं ये वाइल्ड फूलों को, और आंटी ने भी भाई ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं एंड यहाँ पे काम चल रहा है। और पूरा एरिया यार टूरिज्म के लिए है, ये स्पेशली बना रखा है, बट नाइस बढ़िया यार चलते हैं एंड सब बढ़िया। लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, और जहाँ पे लोगों के साथ बातचीत ना हो वहाँ पे मेरे को थोड़ा कम मज़ा आता है ट्रैवल करने में, बट एज अ नेचर ब्यूटी द प्लेस इज़ वेरी गुड, इट्स गुड। सोनवांग की तरफ जा रही हूँ क्योंकि 1.5 घंटे बाद हमारी बस है, बट पीछे यार व्यू हमें पहाड़ का इतना अच्छा दिखाना, तो जस्ट इमेजिन गाइस सो ब्यूटीफुल, मतलब कितनी अलग सी फॉर्मेशन है यार इन माउंटेन्स की। एंड
दीज माउंटेन्स आर एक्चुअली क्वाइट फेमस अराउंड चाइना एंड वियतनाम एंड आई थिंक तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया ऑल्सो हैव इन सम एरिया सच यूनिक स्ट्रक्चर एंड वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली सो नाइस यार मैं डोनवांग पहुंच गई थी एंड ये हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर गया यार मैंने यार और ये एरिया यार ये लोग ओल्ड टाउन बोलते हैं एंड बिल्कुल टूरिस्ट टाइप का एरिया है जनाब ये कैफे भाई जहाँ पर ऑर्डर करिए जनाब मेरे पता क्या सीन हुआ ये भी पहले तो हमारी बस तो प्लान ये था कि भाई हाजियांग से सापा की तरफ जाना है लेकिन मेरे को लगता है कि कुदरत भी चाहती कि मैं हनोई जाके अपना वीज़ा पता करूं और आगे बढ़ूं सफ़र के लिए तो हम यार सापा स्किप कर रहे हैं तो इन लोगों ने मेरे को बोला हाजियांग से सापा जाना सफ़र बहुत मुश्किल है एंड बहुत कम बसें जाती हैं तो आप हनोई चली जाओ तो डायरेक्टली जो बस में मैं बैठी थी ना हाजियांग के लिए वो बस डायरेक्टली हनोई भी जा रही है तो फिर मैंने सोचा यार दोबारा वियतनाम आएंगे तो सही किसी दिन फिर चले जाएंगे सापा तो हम यार डायरेक्टली हनोई की बस मिल गई है तो हम डोनवांग से डायरेक्टली यार हनोई जा रहे हैं एंड सब बढ़िया और अभी रात का टाइम ही लोग खाने के लिए रुके हैं इधर रेस्टोरेंट में अंदर तो सब बढ़िया तो लिटल बिट चेंज इन प्लान डायरेक्टली हनोई नो सापा दिस टाइम और सापा का कल्चर यार थोड़ा सिमिलर है इसी जगह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए भी मैंने स्किप कर दिया एंड वो भी बहुत फेमस टूरिस्ट जगह है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल मिस कर रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम बट बढ़िया सही है और ये भाई यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके हैं पहली बार यार मैं वियतनाम का खाना इतने पास से देख रही हूँ जो ट्रेडिशनल फूड है मतलब तो आप लोग देखिए ये वियतनाम का खाना है जनाब इट्स लाइक मतलब प्री कुक्ड विद मीट मतलब पहले ही मोस्टली इसमें मीट होता है तो इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हो सकती इसलिए मैं यहाँ नहीं खा पाती हूँ बट या तो ये नेम फो नो नो ए यार लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते बिल्कुल भी तो बट ये खाना है यार मस्त बढ़िया